खबर 24 लाइव न्यूज। जौनपुर के रामनगर ब्लॉक में पर्चा वापसी को लेकर लगी लंबी लाइनें। सुबह से महिला पुरुष लगे रहे लाइनों में, पर नहीं हुआ पर्चा वापसी। बाद में सूत्रों के अनुसार मालूम चला कि ब्लॉक के 4 कर्मचारी हुए कोरोना पॉजिटिव। जब न्यूज चैनल के रिपोर्टरों ने इस बात को उठाया तो शाम 4 बजे तकरीबन खोली गई पर्चा वापसी की खिड़की। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से, जब स्टाफ के लोगों को कोरोना वायरस होने के बावजूद भी इतनी लंबी लाइनें लगी रही, प्रशासन रही मौन। दिखाते हैं यह रिपोर्ट। सर, मैं अभिषेक पटेल, खबर 24 लाइव न्यूज से। आइए, इस समय हम आपको ले चलते हैं रामनगर में, इस समय मौजूद इस समय। और कल मालूम चला कि यहाँ पे 2-3 पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव पाए गए, और उसके बावजूद यहाँ जो व्यवस्था आप देख सकते हैं कितनी भीड़ यहाँ लगी हुई है। इस समय 3 यहाँ के जो एम्प्लॉय जो थे, यहाँ ब्लॉक के एम्प्लॉय थे, उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उसके बावजूद भी यहाँ का सिस्टम देखिए, इतनी भीड़ लगी हुई यहाँ पे, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। अधिकारी कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद भी यहाँ की व्यवस्था है। जब यहाँ पे पुलिस प्रशासन से बात किया गया तो उन्होंने बोलते वीडियो से बात किया जाए उस पर। और आप देख सकते हैं इस समय कैमरे के माध्यम से जो दूरी आप देख लीजिए, क्या लगता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जब नहीं हो रहा, चुनाव हो रहा, चुनाव के समय में अगर कोरोना चल रहा है, इसमें 144 भी लागू है सुना जा रहा है, और इसके बावजूद भी यहाँ पे इतनी भीड़ लगी है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा। आप देख सकते कैमरे के माध्यम से घुमा के दिखाया जाए। और यहाँ पूछते हैं, कुछ लोगों से पूछते हैं कि कितनी देर से यहाँ लगे हुए हैं। आइए भैया बताइए, कितने देर से आप लोग लगे यहाँ पे? हम लोग 12 बजे से सब वापस वाले लाइन में लगे हुए हैं। अच्छा अच्छा, वापस वाले, वापसी वाले में है। वापसी तो क्या हुआ आप लोगों के साथ? अभी नहीं, आप कर रहे हैं? 5 घंटे से वापसी की कर रहे हैं, अब इसके बाद सिंबल देंगे। 5 घंटे से, 5 घंटे से आप खड़े जी? 5 घंटे से क्या रामनगर वीडियो ने कोई कार्रवाई नहीं करवाया? कोई रिस्पांस नहीं है, कोई यहाँ अधिकारी नहीं बैठा, कोई अधिकारी नहीं है। बोल रहे हैं कोरोना हुआ है, इसलिए अधिकारी नहीं है, अधिकारी आएंगे तब होगा। अब आप देख सकते हैं कोरोना का धाजा दिया जा रहा है कि यहाँ कोरोना हुआ, उसके बावजूद यहाँ पर डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करवाया जा रहा है। किसी भी, मान लीजिए जनता में किसी कोरोना हो जाए तो क्या, इतनी जनसंख्या यहाँ पे मौजूद है, इसमें हजारों की संख्या में पब्लिक यहाँ उपस्थित है, अगर एक व्यक्ति कोरोना होने के नाते अगर हजारों लोग को कोरोना हो जाए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? प्रशासन या शासन? इसका जवाब दें। और भैया महिलाओं से भी आया, बताइए कितने घंटे से आप खड़ी हैं? लगी आप लोग यहाँ 11 बजे से। 11 बजे से आप कैसा महसूस कर रही हैं? आप अच्छा महसूस कर रही हैं। क्या आपने वीडियो से आपको सूचना दिया कि हम 11 बजे से दिन से यहाँ से लगे हुए हैं? भाई लोग दिए हैं। वीडियो साहब ने क्या कहा? अभी लगे आएंगे। आपको संतुष्ट करते रहे? हाँ, हम लोग बिना खाए पिए सुबह से यहाँ खड़े हैं। चलिए, अब देख सकते हैं महिला भी सुबह बिना खाए पिए यहाँ पे खड़ी है, मौजूद है, और अभी अपना पर्चा वापसी के लिए यहाँ पे लगी है। अब जाके स्टार्ट हो रहा है यहाँ प्रोसीजर, ये तकरीबन 5 घंटे लाइन में लगने के बाद ये अभी कार स्टार्ट हो रहा है। आप सोच सकते हैं 10 बजे से 3:30 बजे अभी तक हम लोग इस कड़ी धूप में, यही कारण है जो सोशल डिस्टेंसिंग का जैसा आप लोग देख रहे हैं कि पब्लिक बार बार यह कह रही है कि पर्चा शिव ग्राम सभा का वापस